कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर वन, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी, स्वर्गीय मास्टर नत्थू रामजी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदबाग, 83402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बेंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, गुप्तदान। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूरताम् व्याकारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्या सागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में हमने समझा था छायोपशमिक भाव के 18 भेद और औदिक भाव के 21 भेद। औदिक भाव के 21 भेद कुछ स्पष्ट नहीं हो पाए थे, आज पुनः स्पष्ट करते हैं। देखें, गति 4, नरक गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये औदिक भाव क्यों है? क्योंकि गति नाम कर्म के उदय से होते हैं। मिथ्या दर्शन, 7 तत्वों पर अश्रद्धान रहना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा पक्की न बनना, ये क्यों रहता है? जब तक मिथ्या दर्शन का उदय है तब तक मिथ्या दर्शन या मिथ्यात्व रूप परिणाम रहते हैं। ये औदिक भाव क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन नामक दर्शन मुनि कर्म के उदय से होते हैं। अज्ञान, अज्ञान माने ज्ञान की अपूर्णता, ये किस कर्म के उदय से होती है? ये ज्ञानावरणी कर्म के उदय से रहती है। जहां तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय है वहां तक अज्ञान भाव है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय कहां तक? 12वें गुणस्थान तक। 12वें गुणस्थान के अंत में इनका नाश होता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का। तो ये जो अज्ञान भाव है ये 12वें गुणस्थान तक चलता है। असंयत भाव, असंयत भाव चलता है 4थे गुणस्थान तक, अर्थात व्रतों के न लेने रूप भाव, मुझे व्रत अभी नहीं लेने। इसका कारण क्या है? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का उदय। अगर सम्यक दर्शन हो गया है तो फिर अप्रत्याख्यानावरण का उदय, इसके कारण व्रत लेने के भाव नहीं बनते। तो ये व्रत लेने के भाव नहीं होने देना, ये भी औदयिक भाव किस कारण से हुए? अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से हुए। असंयत भाव, असिद्ध भाव, असिद्ध भाव होता है 8 कर्मों के उदय से। हमारे आपके 8 कर्मों का उदय है ना, अब वो उदय हमें सिद्ध नहीं बनने दे रहा, तो हमारे असिद्ध जो भाव है ये 8 कर्मों के उदय से। केवली भगवान अभी असिद्ध नहीं है, अभी असिद्ध है, सिद्ध नहीं हुए, उनके 4 अघातिया कर्मों के उदय से असिद्ध भाव है। और 6 लेशिया कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल, 3 लेशिया अशुभ है कृष्ण नील कापोत, 3 लेशिया शुभ है पीत पद्म शुक्ल। कृष्ण नील कापोत का मतलब तीव्रतम कषाय कृष्णलेशिया, तीव्रतर कषाय
नीलेशा और तीव्र कषाय कापोतलेशा, मंद कषाय पीतलेशा, मंदतर कषाय पद्मलेशा, मंदतम कषाय शुक्लेशा। ऐसे परिणाम ये भी तो कर्म के उदय से होते हैं। शरीर नाम कर्म और कषाय के उदय के अनुसार योग कषायानुरंजित योग प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। तो ये भी शरीर नाम कर्म और कषाय के उदय के कारण होने से ये भी छह लेशाएं भी औदयिक भाव है। इस प्रकार 21 भाव हुए। हम अपने हमारे औदयिक भाव कितने होते हैं? हमेशा हमसे ही भाव क्यों लगवाते हैं? स्वयं लगाने की कोशिश करें, आसान लगाइए। गति में से हमारे गति हुई मनुष्य गति, कषाय क्रोध मान माया लो, तो गति एक, कषाय चार, लिंग पुरुष लिंग पांच, मिथ्या दर्शन हो सकता है मुझे सम्यक की प्राप्ति ना हुई हो तो मिथ्या दर्शन एक, तो ये छह, इसके बाद अज्ञान तो है ही, तो इसके बाद सात, असिद्धित्व आठ, लेस्या में से एक, अभी हम जैसे धर्म ध्यान कर रहे हैं सत्वार रुचि पढ़ रहे हैं तो हो सकता है पीतलेश्या हो, इस प्रकार से नौ, एक असंयत भाव रह गया और एक असंयत, इस प्रकार से हमारे 10 औदयिक भाव होते हैं। मान लो एक हाथी है, अब इसके औदयिक भाव लगाते हैं। गति त्रियंश गति, कषाय चारों, एक और चार पांच, लिंग हाथी के पुरुष लिंग चार एक पांच और एक छह, मिथ्या दर्शन हो सकता है, इसके बाद असंयत भाव है वृत्ति नहीं है, अज्ञान भाव है, असिद्ध भाव है, लेशा एक जैसे उसके परिणाम हो वैसे उसके लेशा कोई सी छह हो सकती है। इस तरह औदयिक भाव हमें लगाने चाहिए, ये आत्मा के परिणाम है। इसमें जानने योग्य बात क्या है? जानने योग्य बात क्या है? इसमें कुछ भाव हमारी आत्मा का अहित करने वाले हैं, नवीन कर्म बंध के कारण है, जैसे कषाय भाव, जैसे लिंग भाव, सबसे खराब मिथ्या दर्शन भाव और फिर अशुभ लेशाएं। इनसे हमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए कि ये भाव आत्मा को कष्टकारी हैं, इसलिए जितना इनसे बचा जाए उतना अच्छा है। इस प्रकार औदयिक भाव 21 की चर्चा हुई। अब बचते हैं पारिणामिक भाव 3। आइए अब उनको देखते हैं। पारिणामिक भाव के 3 भेद, जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीव भव्या भव्यत्वानि च, बोलिए। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव के भेद हैं। पारिणामिक भाव किने कहते हैं? आत्मा के जो परिणाम किसी भी कर्म के उपशम छह क्षयोपशम और उदय के कारण नहीं होते, जो आत्मा के स्वभाव होते हैं उन्हें हम कहते हैं पारिणामिक भाव। उनके 3 भेद, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व माने चैतन्यपना, चेतनापना। जीव में किस कर्म के उदय से आया? नहीं, किसी के उदय से नहीं, ये जीव का स्वभाव है, जीवत्व भाव। भव्यत्व भाव, सम्यक्त्व प्रकट करने की योग्यता, भव्यत्व भाव। और सम्यक्त्व प्रकट करने की जहां योग्यता नहीं है वो अभव्यत्व भाव है। जितने जीव हैं सब में शक्ति रूप से तो सम्यक्त्व विद्वान है, मतलब सम्यक्त्व प्राप्त करने की शक्ति तो है, पर जिनमें उसको व्यक्त करने की योग्यता है वे भव्य हैं, जिनमें व्यक्त करने की योग्यता नहीं है वे अभव्य हैं। इस प्रकार पारिणामिक भाव 3 प्रकार का, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, अर्थात चैतन्यपना जीवत्व भाव, ये प्रत्येक जीव में पाया जाता है। अब भव्यत्व भाव ये उनमें पाया जाता है जिनमें अपनी सम्यक्त प्राप्ति की शक्ति को व्यक्त करने की योग्यता है,
और जिनमें योग्यता नहीं है उनमें अभव्यत्व भाव है। इस प्रकार पारिणामिक भाव के तीन भेद होते हैं। हमारे कौन कौन से पारिणामिक भाव हैं? हम सबके जीवत्व भाव तो है ही, अब रही बात भव्यत्व और अभव्यत्व, इनमें से कौन सा भाव है, ये है अपने ज्ञान का विषय नहीं, ये केवली के ज्ञान का विषय है। लेकिन क्योंकि ऐसे भीषण पंचम काल में भी धर्म के प्रति हमारी रुचि प्रकट हुई है, इसलिए हमें अपना भव्यत्व भाव ही मानने योग्य है। सूत्र के अंत में जो चार शब्द दिया है उससे हमें क्या लेना चाहिए? सूत्र के अंत में जो चार शब्द दिया है वो ये कह रहा है कि कुछ अन्य और भी पारिणामिक भाव हैं, लेकिन वो जीव के असाधारण भाव नहीं है, असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वे और पारिणामिक भाव कैसे हैं? वे साधारण हैं, अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, जैसे अस्तित्व वस्तित्व प्रमेयत्व अवगाहनत्व आदि। ये गुण जो है ना, ये गुण अन्य द्रव्यों में पाए जाते हैं, इन सबकी धुनी इस चा से निकलती है। जैसे हमने पहले बताया था कि पारिणामिक भाव तो अन्य द्रव्यों में भी होते हैं, तो वो आचार्य ने कहाँ लिखा? चा से लिखा। उसको लिखा क्यों नहीं सूत्र में? क्योंकि यहाँ जीव तत्व की विवेचना होनी है, तो जो जीव के असाधारण भाव है उनकी चर्चा हुई, इसलिए जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व को लिया। जो साधारण भाव है उनको यहाँ नहीं लिया, लेकिन चा लिख के उनको भी सूचित कर दिया। पंडित जी, कल की पाठशाला में जो सूत्र नंबर 5 है उसके अंत में जो च शब्द दिया है, उस च से क्या अर्थ लेना है? उस सूत्र नंबर 5 में छायोपशमिक भाव की चर्चा थी, तो ये कहा गया वहाँ, जैसे जो मिश्र अर्थात सम्यक मिथ्यात्व तो भाव है वह भी छायोपशमिक है, जो सैनी बना है वह भी छायोपशमिक है, तो चा से अन्य छायोपशमिक भावों का वहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस तरह वहाँ चा उस रूप में था और यहाँ चा अन्य साधारण पारिणामिक भावों के लिए कहा गया। जीव के भावों की चर्चा हुई, अब आगे आचार्य बता रहे हैं जीव का लक्षण क्या है। उपयोगो लक्षणम। सूत्र सरल है एकदम, लक्षणम जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग माने जानने देखने की शक्ति होना, उपयोग माने जानने देखने की शक्ति होना, ये उपयोग है और ये जीव का लक्षण है। लक्षण किसे कहते हैं? जो अन्य में न पाया जाए केवल उसमें ही पाया जाए, उसे कहते हैं लक्षण। जानने देखने की शक्ति जीव के अलावा किसी अन्य द्रव्य में नहीं होती, इसलिए लक्षणम जीव का लक्षण क्या है? उपयोग अर्थात ज्ञान और दर्शन। अगला सूत्र देखें, उपयोग कितने प्रकार का है। स दुविधोष्ट चतुर्भेदः। बोलिए फिर, बोले एक बार। इस सूत्र को थोड़ा बोर्ड पे समझाते हैं। स माने वह उपयोग, जीव का लक्षण उपयोग है, जानना देखना, जानने देखने की शक्ति। स माने वह उपयोग द्विविधः, दो प्रकार का है। कौन कौन सा? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उसके भेद अष्ट चतुर भेदः, ज्ञानोपयोग के 8 भेद, दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। सूत्र में से अगर आप अर्थ निकाल लेंगे ना, तो आपको घोंटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे लाभ क्या होगा? जब आप पाठ करेंगे दिमाग में अपने आप अर्थ आता जाएगा। तत्वार सूत्र घोंटना नहीं है, तत्वार सूत्र के सूत्रों का अर्थ समझना है, बिल्कुल सरल है। जीव का लक्षण बता दिया, जीव कितने प्रकार के होते हैं। संसारिणो मुक्ताश्च। जीव दो प्रकार के हैं,
संसारी और मुक्त, जो संसार में जन्म मरण कर रहे हैं, संसार के दुखों को भोग रहे हैं, वे संसारी हैं, और जो अष्टकर्म से रहित हो गए हैं वे मुक्त जीव हैं। जीव दो प्रकार के, संसारी और मुक्त। इस सूत्र में चा शब्द से क्या अभिप्राय समझना चाहिए? चा शब्द का अर्थ है कुछ जीव ऐसे हैं जो जीवन मुक्त हैं, जैसे अरहंत परमेष्टि। अरहंत परमेष्टि जन्म मरण से रहित तो हो गए हैं लेकिन अभी संसार में हैं, इसलिए चा शब्द से उनको भी यहाँ गर्भित किया गया है। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ हुआ। संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? अगला सूत्र है समनस्का मनस्काह। समनस्का मनस्काह, बोलिए। समनस्का मनस्काह। समनस्क अर्थात मन सहित, और अमनस्क संधि विच्छेद किया, अमनस्क मन रहित। संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, समनस्क मन सहित, अमनस्क मन रहित, अर्थात सैनी और असैनी। इस प्रकार संसारी जीव के दो भेद हैं। संसारी जीव के और कितने भेद होते हैं? अगला सूत्र देखें। संसारेणस्त्रसस्थावराः। संसारेणस्त्रसस्थावराः, बोलिए। संसारेणस्त्रसस्थावराः। संसारी जीव के दो भेद और भी होते हैं, त्रस और स्थावर। जिनके मात्र एक इंद्रिय होती है वे स्थावर जीव हैं, और जिनके दो तीन चार पांच इंद्रियां होती हैं वे त्रस जीव हैं। अब तत्वार सूत्र कितना सरल है, देखा? सरल सरल सूत्र है, हमें कड़ा नाम को लगता है, कड़ा है नहीं। स्थावर जीवों के भेद, पृथ्वीव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथ्वीव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, बोलिए। पृथ्वीव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। स्थावर जीव कितने प्रकार के होते हैं? सूत्र से निकालें, पृथ्वी पृथ्वीकायक, अप जलकायक, तेज अग्निकायक, वायु वायुकायक और वनस्पति कायक। पांच प्रकार के स्थावर जीव होते हैं। स्थावरों के भेद बताए, इसमें इन्होंने पृथ्वीकायक, अप माने जलकायक, तेज माने अग्निकायक, वायुकायक और वनस्पति कायक। इस प्रकार स्थावर जीवों के पांच भेद हैं। हम सब लोग जानते ही हैं, पृथ्वी ही जिनका शरीर है वे पृथ्वी कायक हैं। ऐसे ही जल ही जिन जीवों का शरीर है वे जल कायक हैं। इन सब जीवों के मात्र एक इंद्री स्पर्शन इंद्री होती है। एक बात जरा समझ लें अपन, हमने कुएं में से पानी निकाला, इस पानी में जो कुएं में से निकाला है इसमें कौन कौन से जीव हैं? त्रस भी हैं और स्थावर भी हैं। अब हमने क्या किया, मोटे छन्ने से इसको छाना। छानने से क्या हुआ, त्रस जीव छन्ने में आ गए, लेकिन नीचे जो जल निकला ना उसमें अभी जल कायक जीव हैं। वो क्यों नहीं छने? क्योंकि जल ही उनका शरीर था तो वो जल के साथ में नीचे निकल गए। वो होते हैं एक इंद्री जल कायक जीव। इस तरह औरों में भी समझ लेना चाहिए। इस सूत्र में बताया स्थावर जीवों के पांच भेद, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। पंडित जी, ऐसा सुना है कि जल के चार भेद होते हैं, तो वो चार भेद कौन कौन से होते हैं, कृपया बताएं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, समझने वाली चीज है। जल के चार भेद, जल, जल जीव, जल काय और जल कायक जीव। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला और पानी की बूंद बनी, ये हुआ जल। जीव है या अजीव? अजीव। अब अंतर्मूर्त के बाद इसमें योनि स्थान बनने से अब जलकायिक जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जो जलकायिक जीव यहां जन्म लेने के लिए आ रहा है,
रास्ते में बिगड़े गति में है उसे हम कहेंगे जल जीव। उसने पानी में जन्म ले लिया तो हो गया जल एक जीव, और जब हमने उस पानी को उबाल लिया और पानी जीव रहित हो गया तो हम कहेंगे जलकाय। एक बार फिर समझे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिली और पानी की बूंद बनी, ये जल, ये पुद्गल अचेतन। अब इस जल में अंतर्मूर्त के बाद जो जन्म लेने के लिए आत्मा बिगड़े गति से आ रही है वो रास्ते में जब तक है तब तक जल जीव। उसने उस पानी की बूंद में जन्म ले लिया तो जल कायक जीव, और हमने उस पानी को ओटाया और वो पानी गर्म होने के बाद जब जीव रहित हो गया तब हम कहेंगे जलकाय। जलकाय अजीव है, जल जीव और जलकायक जीव जीव है। फिर देखें, सामान्य जल और जलकाय दोनों अजीव। मुनि महाराज के कमंडलू में हमने जो पानी भरा है वो जलकाय है और अजीव है। एक बात जरा थोड़ी अटपटी लगेगी आपको, पर ध्यान से सुनना आप। जल हो या पृथ्वी हो, अग्नि हो या वायु हो, ये तो पुद्गल के पिंड हैं। जल जीव नहीं है, जल तो अजीव है। जल में जिनने जन्म ले लिया है वो जीव है। पृथ्वी अजीव। पृथ्वी में जिन जीवों ने जन्म लिया है वे पृथ्वी कायक जीव, ऐसे लगाना चाहिए। जैसे हमने जल में चार भेद लगाए ऐसे अग्नि वायु इनमें भी चार चार भेद लगा लेने चाहिए। स्थावर जीवों की चर्चा हुई, अब प्रश्न हुआ त्रस जीव कौन कौन से हैं, तो अगला सूत्र देखें, द्विइंद्रिया दयस्त्रशाह। द्विइंद्रिया दयस्त्रशाह, बोलिए। द्विइंद्रिया दयस्त्रशाह, इस सूत्र का हम संधि विच्छेद कर लें, द्वि इंद्रिय आदयः त्रसाः। द्वि इंद्रिय आदयः त्रसाः अर्थात दो इंद्रिय आदि वाले त्रस होते हैं, अर्थात जिनके दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पांच इंद्रिय होती हैं उन्हें त्रस कहते हैं, और जिसके मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय है उसे हम स्थावर कहते हैं। सरल सूत्र है, आइए अगला सूत्र और देखते हैं। पंचेंद्रियाणि, पंचेंद्रियाणि, बोलिए। पंचेंद्रियाणि, इस सूत्र बोलने में फिर सावधानी रखनी है। बहुत सी माता बहनें बोलती हैं पंचेंद्रियाणि, नहीं पंचेंद्रियाणि नहीं, पंचेंद्रियाणि। सूत्र का अर्थ है इंद्रियां पांच होती हैं। हम और आप सब जानते हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ऐसा लग रहा है आज तो जैसे हम तत्वार सूत्र नहीं बालबोध पढ़ रहे हों। बिल्कुल सरल, पंचेंद्रियाँ इंद्रियां पांच होती हैं। आचार्य ने छोटे छोटे सूत्रों में विषय को कितना अच्छा स्पष्ट किया है और बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं महाराज। अब आया प्रश्न, इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? द्विविधानि, 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 द्विविधानि। इसका भी उच्चारण हमें ठीक करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं द्विविधानि, पंचेंद्रियाणि, द्विविधानि, नहीं ऐसे नहीं, द्विविधानि, पंचेंद्रियाणि, जोर देना है या पे धापे, द्विविधानि। दो प्रकार की होती है, क्या अर्थ हुआ? द्विविध अर्थात इंद्रियां दो प्रकार की होती है। द्विविधानि इंद्रियां दो प्रकार की होती है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय जो नामकर्म के उदय से बनती है वो द्रव्येंद्रिय, और भावेंद्रिय जो कर्म के क्षयोपशम से
ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से जो प्राप्त होती है वो भावेंद्रिय है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू रामजी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदबाग, 83402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बेंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, गुप्तान।